दिल्ली भारत की राजधानी व इतिहास और आधुनिकता का केंद्र है। यहाँ मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों का ढेर लगा पड़ा है, जहाँ सिर्फ भारतीय यात्री ही नहीं विदेशी यात्री भारी मात्रा में देखे जा सकते हैं। जब आप चांदनी चौक की तंगलियों में देसी घी में बने पराठे कचौड़ी बनते देखेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। सुंदर घूमने फिरने की जगहों से लेकर हर राज्य का पारंपरिक खाना आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा और आपको हाथ पैर भी नहीं मारने पड़ेंगे। मंदिरों से लेकर चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद तक हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। एक ऐसी जगह जहाँ हर तरह की संस्कृति का मिश्रण है और कोई भेदभाव नहीं। दिल्ली में मौजूद टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाला ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो जानते हैं हमारे लिस्ट के पहले टूरिस्ट अट्रैक्शन को। नंबर एक पे है लाल किला। मुगल वास्तुकला द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बना सुंदर किला यात्रियों को आकर्षित करने वाला मुख्य स्थान है। यह बहुत सी अलग अलग तरह की जगह का संगम है। आपको इसमें संग्रहालय देखने को मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प और सजावटी सामान, कृत्रिम गहने आदि इसके मीना बाजार में जगमगाते हुए मिलेंगे। कारीगरों ने इतनी महीनता से इसका हर कोना उकेरा है कि तारीफ किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। यहाँ आकर दिल्ली की सबसे सुंदर जगह का नजारा आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ का लाइट और शाम स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा। नंबर दो पे है इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन की सीध में बना हुआ यह स्थान प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस पर उन शहीदों के नाम को भी लिखा गया है। अगर आप दिल्ली दर्शन के लिए आए तो इस जगह को भूल नहीं सकते हैं। दिन रात आंधी तूफान साल के हर दिन यहाँ जलती अमर जवान ज्योति उन वीरों की दास्तान बयां करती है। अपने देश प्रेम को थोड़ा जागृत करते हुए आप इनकी वीरता के गवाह बन सकते हैं। अगला है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई यह इमारत दिल्ली की ऊंची इमारतों में से एक है। यह ईरानी वास्तुकला का भव्य उदाहरण है, जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह सबसे नामी दिल्ली पर्यटन स्थल है। इसके पास एक लोह का स्तंभ बना हुआ है, जिसकी खासियत की इस पर सैकड़ों सालों से बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। अगला है हुमायूं टॉम्ब। शताब्दियों बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखे हुए स्थान को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लाल पत्थर व संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा भी मुगल वास्तुकला का प्रशंसनीय उदाहरण है। यहाँ हुमायूं के साथ ही मुगलों के कुछ खास सदस्यों की समाधि बनाई गई है। ऊंची ऊंची पथरीली सीढ़ियाँ, बड़े बड़े कलात्मक दरवाजे प्राचीनता को बखूबी दर्शाते हैं। अगला है अक्षरधाम मंदिर। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शामिल यह स्वामी नारायण मंदिर आपको भौचक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर एक कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह सबसे मशहूर दिल्ली पर्यटन स्थलों में से एक है। आप यहां आकर बाहरी दुनिया को पूरी तरह कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। यह मंदिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम के समय होता वाटर शो आपको बेहद पसंद आ सकता है। अगर आप समय निकाल कर आएंगे तो यहां मौजूद हर कोने को बखूबी परख पाएंगे। अगला है इस्कॉन टेंपल। अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित यह मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं बल्कि यह म्यूजियम, रेस्टोरेंट और शादी पार्टियों का केंद्र भी है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से शोभित मंदिर आपको हैरान कर देगा। अगला है लोटस टेंपल। इस टेंपल में आपको बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो यह उपासना स्थल है, पर यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और यहाँ कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल का फूल शांति व पवित्रता का प्रतीक है, इसी को दिमाग में रखते हुए स्थान का निर्माण किया गया। अगला है जामा मस्जिद। भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक यह पुरानी दिल्ली में मौजूद है। इंडो इस्लामिक व मुगल वास्तुकला से बना यह मस्जिद शाहजहां का सबसे प्राचीन इमारत है। यहाँ एक समय पर 25,000 श्रद्धालु अपनी आस्था को रास्ता दे सकते हैं, यानी नमाज पढ़ सकते हैं। ईद पर लोगों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह के वक्त यहाँ आना बिल्कुल सही होगा। प्रवेश करने के लिए आपको किसी टिकट की जरूरत नहीं है, यह एकदम मुफ्त है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भारत के किस कोने में रहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके शहर के बारे में वीडियो बनाने का भी जरूर प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।